Hey guys, welcome back to my vlog. आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू वरना के बारे में, वरना 2023 के बारे में. पीछे खड़ी हुई आप देख सकते हो क्या ही सेक्सी लग रही है. तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करती है और कैसा पैकेज है और मेरे को कैसी लगती है गाड़ी. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम एज यूजुअल की से स्टार्ट करें तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे की देखने को मिल जाती है. जो नॉर्मल हुंडई की है वैसी नहीं मिलती, थोड़ी अलग आपको यहाँ पे की नहीं मिलती है. लॉक अनलॉक आप होल्ड करके गाड़ी ऑन भी कर सकते हैं यहाँ पे बैठे बैठे और बूट रिलीज कर सकते हैं. तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे की देखने को मिलती है. काफ़ी सही लगती है मेरे को, नॉर्मल हुंडई से अलग है तो मेरे को काफ़ी पसंद आई है. अब चलिए फ्रंट की बात कर लेते हैं. ठीक है, फ्रंट से लुक्स काफ़ी आपको लगेंगे शुरू में कि आपको पसंद आएंगे नहीं आएंगे. कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है सामने से वरना, पर भाई जब आप सामने आएंगे ना और ब्लैक कलर की बात करें ना तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी लगने वाली गाड़ी, क्योंकि सामने जो DRL है ना, मतलब जो डेट ये जो जल रहे होते हैं, अगर आप लाइट नहीं जलाएंगे तो आपका ये वजह जलेगा बस, और रात के टाइम का आपका ये भी जलेगा. तो भाई अगर देखोगे ना लुक्स तो बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मेरे को तो. और अगर सामने की बात करो तो यहाँ पे आपको दो डिपर मिल जाते हैं, दो अपर मिल जाते हैं. ये भी LED का जैसे क्रेटा में आपको देखने को मिलता है सेम ऐसा ही है. यहाँ पे आपको जो है वो आपको मिलता है इंडिकेटर्स, यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, चार चार पार्किंग सेंसर सामने. और रिमाइंड कर दूं मैं, ये SX है, SX ऑप्शनल नहीं है. SX ऑप्शन में आपको ADAS भी देखने को मिलता है, इसमें शायद से ADAS नहीं है. देखो वहाँ पे बीच में आपको ADAS रहेगा मिलेगा. ठीक है, ये तो ये सारी चीज़ें हैं. फ्रंट से आपको एक बार दिखा दूँ ना, तो ये देखो फ्रंट से आपको इस तरीके का पूरा ओवरऑल लुक देखने को मिल जाता है. यहाँ पे आपको हुंडई का बड़ा सा लोगो है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया लगता है मेरे को तो. ये हुंडई का लोगो है और भाई यहाँ पे ना स्पोर्टी टचेस भी दिए गए हैं. देखो कितने शार्प आपको यहाँ पे वो दिए गए हैं. तो बहुत बहुत ज़्यादा सही लग रही है मेरे को गाड़ी. अगर फटफट से साइड प्रोफाइल की बात करें ना तो देखो साइड प्रोफाइल में आपको कुछ इस तरीके की आपको डुअल टोन में डायमंड कट आपको अलॉस देखने को मिल जाते हैं. इसमें क्रोम का फिनिश कोई नहीं दिया गया है. और इसका साइज़ की मैं बात करूँ ना अगर, तो ये है 205/55R 16 inches की आपको यहाँ पे टायर साइज़ देखने में, अलॉय साइज़ देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको सामने डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. पीछे की बात करूँ तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाते हैं. ये सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे आपको जो ORVM है ना वो ऑटो फोल्डेबल मिलता है. लॉक अनलॉक करेंगे तो ये फोल्ड अनफोल्ड हो जाएगा. और एडजस्टेबल भी आपको इलेक्ट्रॉनिक देखने को मिलेगा, अंदर से आप एडजस्ट कर सकते हैं. वाइपर की बात करूँ तो इस तरीके के आपको वाइपर्स देखने को मिलते हैं. डिसेंट है, मतलब उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है पर बहुत अच्छे वाइपर्स हैं. और आप एक बार देखोगे ना तो ये स्लोपिंग टाइप का इसका बोनट है, मतलब बहुत स्पोर्टी बहुत सेक्सी लुकिंग कार मेरे को लगती है ओवरऑल. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हो गई है. और अगर बात करूँ तो ADAS के लिए, देखो ADAS नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको अगर ADAS होता ना तो यहाँ पे आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता अंदर में, तो इसलिए ADAS आपको यहाँ पे नहीं है. टॉप वेरिएंट में आपको ADAS भी देखने को मिल जाएगा. अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी साइड प्रोफाइल की. और एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड कर दूँ, जहाँ जहाँ पे आप पहले क्रोम देखने को मिलता था ना, जैसे क्रेटा में बोल लो या किसी और गाड़ी में क्रोम मिलता, तो यहाँ यहाँ पे उस जगह पे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाती है. जैसे कि व्हील्स की बात कर लूँ, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा सिल्वर फिनिश है, ये आपका सिल्वर फिनिश है. और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलता है सिर्फ ड्राइवर साइड में. तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, क्रोम के जगह अब सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग हो चुकी है. ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो अगर मैं पूरा एक फ्रेम में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, पर देखो भाई गाड़ी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को देखने में. मेरे को लग रहा था कि सामने से अच्छी नहीं लगेगी, पर ब्लैक कलर में ना बहुत प्यारी बहुत सेक्सी गाड़ी है. मेरी बात मानो, एक बार आके ना शोरूम में देखो तब आपको पता चलेगा कि कैसी है. अब चलिए रियर की बात कर लेते हैं. रियर से कैसे है गाड़ी, कैसी लुकिंग है, कैसी लगती है. तो कुछ इस तरीके के आपको टेल लैंप देखने को मिलते हैं, जो कि ऑल द वे पूरे यहाँ से कनेक्टिंग होकर वहाँ पूरे पीछे तक जाते हैं. उस तरीके के आपको टेल लैंप देखने को मिलते हैं. और यहाँ पे आपको नोटिस करेंगे ना तो ये देखो ये क्रिस्टल आपको यहाँ पे लाइट्स देखने को मिल जाती है. यहाँ पे देखो क्रिस्टल का, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे रिवर्स लाइट देखने को मिल जाते हैं. और ये जो लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ लाइट जलता है और ये रिफ्लेक्ट होता है, तो क्रिस्टल टाइप का लुक आता है. और ब्रेक दबाओगे तो ये छोटे LEDs आपको दिख रहे हैं, ये जलता है ब्रेक दबाने में. और पूरा ऑल द वे कुछ पीछे से कुछ इस तरीके का लुक है. ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप ट्यूसॉन देखे होंगे नई हुंडई की, तो ये जो कट्स एंड क्रीजेस है ना इसमें अभी दिख नहीं रहे हैं. बाहर जाएगी लाइट जलेंगे ना तो आपको कट्स एंड क्रीजेस इतने अच्छे दिखते हैं ना इस गाड़ी में. तो आपको दिखाता हूँ एक बार कट्स एंड क्रीजेस इस गाड़ी का. देखो यहाँ से बात करते हैं, देखो अभी भी थोड़े दिख नहीं रहेंगे, पर ये कट्स एंड क्रीजेस देखो, यहाँ से कट्स एंड क्रीजेस ऐसे आए हैं. कट्स देखो, ये कट्स आए हैं, शार्प जो कट्स आए हैं ना पीछे से, बहुत ज़्यादा प्यारी गाड़ी बना दी है. सामने से तो चलो जज कर सकते हैं कितना क्या है क्या नहीं है, पर पीछे से बहुत ज़्यादा प्यारी है गाड़ी. इधर से बात करूँ यहाँ पे आपको पूरा वो जो क्रिस्टल ट्रीटमेंट आपको मिलता है नीचे, आपको यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं नीचे यहाँ पे. और आपको पीछे पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं चार, यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिलता है. वरना
ये पूरा कांच के अंदर जो फाइबर है इसके अंदर आपको वरना लिखा गया है, यहाँ पे आपको लोगो मिलता है। और जो हुड है ना वो काफ़ी ऊंचा है पीछे से देखा जाए तो। रिवर्स पार्किंग मतलब ये हाइट्स ऑफ टेल लैम्प, यहाँ पे आपको डिफॉगर मिलता है, वाइपर नहीं मिलता है, और यहाँ पे आपको छाकविन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके की आपकी यहाँ पे पूरी वरना की लुक है भाई, पीछे से बात करूँ तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है मेरे को तो वरना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई है तो मैंने आपको पूरा एक्सटीरियर दिखा दिया है मोटा मोटा सा। आपको जैसी भी लगी आप कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं कमेंट में कैसी लग रही है गाड़ी। तो चलिए अब इंटीरियर में चलते हैं और बात करते हैं इंटीरियर की, कैसे करें खोलेंगे। ठीक है, अंदर बात लेते भाई साहब। सबसे पहले तो मैं गेट खोला ना, तो गेट बड़ा पैनल है बहुत, और क्या ही मतलब उसमें हैवीनेस है वेट में ना, मतलब गेट में हैवीनेस है और फील भी होता है कि भाई कोई सी लग्जरी कार आप खोल रहे हैं। अंदर आपको दिखाऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो सबसे पहले अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको ना ये प्लास्टिक है वैसे तो, पर ये थोड़ा सा आपको ऐसा फिनिश दिया गया कि आपको लगेगा कि ये कोई अपना क्लॉथ वाला फिनिश ऐसा टाइप का। और ये जो है ये भी प्लास्टिक है, आपको ये भी प्लास्टिक है, कोई आपको सॉफ्ट ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको प्लास्टिक देखने को मिलती हैं। यहाँ पर वाइट पूरा ट्रीटमेंट दिया गया, हालांकि ये टाइम के साथ ना ये गंदा हो जाएगा, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पावर विंडोज कंट्रोल्स मिल जाते हैं, आपको ORVM कंट्रोल्स, और यहाँ पर ना देखो क्रोम यहाँ पर भी नहीं दिया गया आपको, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश दी गई है। डोर हैंडल्स में भी बड़े बड़े आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं, 2 लीटर का यहाँ पर रख सकते हो, 1 लीटर यहाँ पे रख सकते हो। कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे पूरे डोर पैनल की चीज़ें मिल जाती है। ठीक है, इधर बात करें तो आपको भाई अंदर में आपको यहाँ पे टॉप मॉडल की ओर जाएंगे ना तो आपको इलेक्ट्रॉनिक आपको सीट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको एडसिव आपको मैनुअल सीट मिलेंगी, आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन दिया गया है। इधर बात करें तो आपको यहाँ पे पेडल्स मिल जाते हैं इसके, क्योंकि ये मैनुअल है तो आपको क्लच भी देखने को मिलता है, और डेड पेडल आपको डेडिकेटेड दिया गया है जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे बात करें तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, ऑटो ऑन ऑफ का बटन, यहाँ पे हेडलाइट लाइट यहाँ पे दिया गया है। ये सेम फिनिश वही है, यहाँ पे आपको क्लॉथ नहीं है, लगता है क्लॉथ टाइप का, पर क्लॉथ नहीं है, आपका प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक। ठीक है, चलिए अंदर बैठते हैं और बाकी बातें अंदर से बैठ के करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटिस कर रहे हैं इसका ये जो डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता है 2 स्पोक का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको ना क्रेटा में, जैसे गोल गोल आपको यहाँ पे मिलता है हॉर्न पैड, वो आपको नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्क्वायरिश आपको फिनिश देखने को मिल जाती है, सिल्वर आपको लोगो मिलता है, इस तरीके के आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिलते हैं, और इस तरीके के यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं गाड़ी ऑन कर लेता हूँ एक बार आपको, ताकि डिस्प्ले भी दिख जाए। ठीक है ना, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिल जाती है, देख सकते हो बड़ी सी, और यहाँ पे आपको इतनी बड़ी यहाँ पे आपको डिस्प्ले मिलती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ऑल मेनूज आपको जाके देख सकते हो, और आपके इसके टॉप रेंट में जाएंगे ना तो और बड़ी आपको 10.25 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी। यहाँ पे आपको थोड़ी छोटी डिस्प्ले मिलती है 7 इंच की, फिर भी आपको अगर देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा लग्जरी लगती है यार, मतलब मज़ा ही आ जाती है देख के, क्या ही बोलूँ मैं। पर इसमें एक चीज़ उल्टा है, जैसे यहाँ पे आपको जो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल और वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे है ना, लेवल्टर और यहाँ पे इसके सेटिंग्स के कंट्रोल जो भी आप यहाँ से करेंगे, TPMS जो भी, ये सारे चीज़ के कंट्रोल आपको यहाँ पे देखेंगे मिलेंगे, उल्टा है यहाँ पे हिसाब इसका, इस तरह यहाँ पे हैं इसके कंट्रोल, और यहाँ पे हैं ये वाले कंट्रोल इसके हैं, जो वॉल्यूम अप डाउन करने वाला, मोड सेलेक्ट करने वाला, ये सारी चीज़ें इसकी कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और ये मेरा शायद से फ़ोन कनेक्ट हो गया है क्योंकि ये वायरलेस और एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। ठीक है यहाँ पे, और बाकी देखो यार क्या ही बेहतरीन लग रही है लुक, मतलब मैं, मेरे पास शब्द खत्म हो चुके हैं इसको बताने के लिए, मतलब मज़ा ही आ रहा है मेरे को। लेदर स्ट्रैप स्टीयरिंग व्हील है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे वाइपर आपको मैनुअल मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है। ठीक है, इधर बात करते हैं अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ना आपको एम्बिएंट लाइट मिलेगी, देखो रेड कलर की, और आप मल्टीपल आप कलर सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि रेड ब्लू, ऐसे नहीं, बहुत सारे कलर्स आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग के लिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, मतलब लग्जरी टचेस ना इतने ज़्यादा हैं कि क्या ही बताऊँ, मतलब मज़ा ही आ जाती है। और ये डिस्प्ले आपको ऐसे पूरा ऑल द वे पूरा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं। अंदर बात करें यहाँ पे ना, तो आपको यहाँ पे 1000 लैम्प का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे एसी वेंट्स देख रहे हो भाई, कितने नीटली इंटीग्रेटेड है, मतलब मज़ा आ जा रहा है, मतलब पता भी नहीं चल रहा कि वो एसी वेंट्स है, इतने फ्लश आपको यहाँ पे एकदम सटल सा लग रहा है। इधर बात करें तो यहाँ पे आपको पूरे ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और एक छोटा सा ट्विस्ट बताऊँ, आप इसको टैप करेंगे तो ये आपका इसके मीडिया के कंट्रोल्स हो जाएगा। देखो यहाँ पे ट्यून व्यून आ गया, वॉल्यूम आ गया, ट्रैक व्रैक आप चेंज कर सकते हैं, और फिर से इसको मैं दबाऊंगा आपको एसी वाले कंट्रोल्स आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अच्छा चीज़ किया गया, मतलब अच्छी लगी मेरे को ये सारी चीज़ें। यहाँ पे आपको जो बंद बटन दिख रहे हैं ना, ये टॉप एंड में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का फंक्शन मिल जाएगा ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। टाइप सी मिल जाता है, इधर आपको टाइप सी मिल जाता है, इधर USB मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे दिया गया है, नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी देखने को मिल जाता है इसमें। यहाँ पे आपको पार्किंग टाइम ऑन ऑफ करने का बटन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा, शायद ये देखो रिवर्स कैमरा आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है पीछे में। यहाँ पे आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। इधर बात करें तो आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। इधर आपकी कुछ इस तरीके की इसमें की है, यहाँ पे आप रख सकते हैं, डेडिकेटेड कोई जगह तो नहीं मिलता है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, या यहाँ पे डाल सकते हैं, तो बहुत सारे जगह आपको यहाँ पे रखने के लिए मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई है। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके एक बार रिवर्स कैमरे की। तो अगर मैं रिवर्स कैमरा लगा के दिखाऊं आपको, तो देखो इस तरीके का आपको यहाँ पे रिवर्स में लग जाती है गाड़ी। इस तरीके से देखो, इस तरीके का आपको क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है रिवर्स कैमरे का। और अभी पीछे कोई खड़ा है तो ये हल्ला कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इधर बात करूँ तो आपको कूल ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, डिसेंट साइज़ का, मतलब काफ़ी सही आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। मैं तो भाई, मेरे को ना मज़ा आ जा रहा है, मतलब कुछ ही बोलो, मैं देख के एकदम फिदा हो गया इस गाड़ी पे। इधर बात करें तो यहाँ पे आपको सब वूफर नहीं मिलता है। टॉप मॉडल में जाएंगे तो आपको वूफर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक IRVM देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको वाइट LED आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आप ऐसे बंद चालू कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपको सनरूफ के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं कुछ इस तरीके की। इतनी बड़ी आपको यहाँ पे सनरूफ देखने को मिल जाती है, काफ़ी सही है, काफ़ी वाइड ओपन हो जाता है। देखो दो बार करोगे तो वाइड ओपन हो जाएगा। बाकी अभी इसको बंद कर देते हैं। इधर आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ आते हैं, डोर हैंडल बोलता हूँ, जो ग्रैब हैंडल्स हैं। इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, कोई लाइट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है सनवाइज़र में। इधर सनवाइज़र में आपको वैनिटी मिरर मिलता है, इसमें भी कोई आपको लाइट देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बात करने को अंदर हो चुकी है। मतलब एक बार आप फिर से देखो यार, मतलब क्या ही गाड़ी बना दी है, मतलब Hyundai वालों ने, मतलब बहुत सही लग रही है मेरे को अंदर से। मतलब मेरे को अब तक लग रहा था ना कि क्या है क्या है, मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। आप लोग एक बार देखोगे ना आके, आप फिदा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सीटिंग क्वालिटी की बात करूँ, बहुत सही सीटिंग है, कंफर्ट, कुशनिंग सब बहुत सही आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स काम कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं, उसका आपको मैं यहाँ पे डेमो दिखा चुका हूँ। इधर बात करें तो यहाँ पे आपको स्लाइडेबल आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको डिसेंट टाइप का स्पेस मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये तो हो गई पूरी सामने की बात, अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा बेझिझक होके। अब चलते हैं एक बार पीछे, एक बार आप देखो यार, क्या ही सेक्सी लुकिंग गाड़ी लग रही है। यहाँ पे पीछे चलते हैं और मैं ड्राइवर सीट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ, एक बार अपने ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग तो मैंने एडजस्ट कर लिया है। अब चलते हैं पीछे और आपको दिखाते हैं कि पीछे क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो चलिए अपन पीछे चलते हैं, ठीक है ना, पीछे चलते हैं। ये देखो इतना डोर वाइड ओपन हो जाता है, सेम पीछे भी आपको सेम ट्रीटमेंट मिल जाती है डोर पैनल्स में आपको, ठीक है ना। अंदर बैठ के बात करते हैं, क्योंकि इसमें ना आपको बहुत बड़ा अपग्रेड देखने को मिलता है रियर सीटिंग में। देखो बहुत बड़ा अपग्रेड इसलिए बोल रहा हूँ, पहले वरना में ऐसा कहा जाता था कि अच्छी अच्छी स्पेसिंग नहीं है, ये है वो है, पीछे अच्छा स्पेस नहीं मिलता है वगैरह वगैरह बोलते थे। पर अब देखो मेरी 5'8" है हाइट, उस हिसाब से हेडरूम भी बहुत सही आपको देखने को मिल जाता है। और मैं अगर बात करूँ ना यहाँ पे लेग स्पेस की, तो भाई कितना ज़्यादा है, मतलब मैं नाप भी नहीं सकता हाथ से पूरा। देखो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे लेग रूम है, नी रूम देखने को मिलता है। और अंडर थाई सपोर्ट, भाई आज तक की मैं सबसे अच्छी गाड़ी देखा हूँ जिसमें अंडर थाई सपोर्ट इतना अच्छा देखने को मिलता है। और रिक्लाइन एंगल भी बहुत सही है सीट का, मतलब ये देखो मैं आराम से जर्नी कर सकता हूँ, मतलब इतना कंफर्टेबल है ना, इतना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता आपको, ठीक है। और मैं देखो पूरा पूरा जो पैर है वो पूरा ऐसे नीचे अंदर तक स्लाइड हो रहा है मेरा, तो मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीटिंग इसमें आपको देखने को मिल जाती है। पीछे यहाँ पे आपको टाइप सी के दो चार्जर मिलते हैं, हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा USB भी देना चाहिए था, पर कोई नहीं, अच्छी बात है टाइप सी दिया गया, फास्ट चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे आप फोन रख सकते हैं, पीछे AC के वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको। और बात करूँ ना पीछे, तो यहाँ पे लाइट भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि वाइट है, बहुत अच्छी बात है कि आपको वाइट लाइट देखने को मिलती है। सामने भी वाइट ही आपको देखने को मिली थी। और आप यहाँ आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको एयरबैग मिल रहा होगा, सामने भी आपको एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। और इधर बात करूँ तो आपको बीच में आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें आपको कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे दो आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे, और सामने आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। पीछे आपको बीच में हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बीच में मोस्टली बच्चे बच्चों को बैठाएंगे। और यहाँ पे आइसोफिक्स साइड माउंट्स के भी आपको यहाँ पे वो मिल जाते हैं, हुक्स नीचे अंदर हुक्स आपको देखने को मिलेंगे। भाई मज़ा आ गया मेरे को सीटिंग कंफर्ट में। अगर शॉफर ड्रिवन आपको ड्राइव करानी है गाड़ी, पीछे सामने ड्राइवर चला रहा है, पीछे आपको बैठना ना, बहुत सही गाड़ी है। एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, एडजस्टेबल आपको जो है अब सीट बेल्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो ये तो हो गई पीछे की कंफर्ट के बारे में। अगर बात करूँ ना तो आप यहाँ पे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, मतलब फिर भी 2 बंदे बैठाओ, एक बीच में बच्चा बैठाओ, उसके लिए सफिशियंट है गाड़ी, बहुत 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 सही है। मैं ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा खुश हो रहा हूँ, और ज़्यादा खुश इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि गाड़ी इतनी अच्छी है। एक बार पीछे देखो आप सामने का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा आपको दिख रहा है, वरना का मज़ा आ गई भाई, ठीक है। अब चलते हैं बाहर और इसका एक बार ना आपको बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ कि कैसा आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए बूट की बात कर लेते हैं एक बार ना अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको हुक मिल जाता है, यहाँ से आप बूट को ओपन कर सकते हैं। देखो इस तरीके की आपको यहाँ पे इतना डीप, मतलब सेगमेंट सबसे बड़ा, सेगमेंट में सबसे बड़ा बूट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साइड में भी यहाँ पे आपको जगह मिल जाते हैं, हालांकि लाइट अभी जल नहीं रहा है। अगर मैं लाइट जलाने की कोशिश करूँ ना थोड़ा सा दिखाने की, तो देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे बूट मिल जाता है। डेप्थ देखो यार, मतलब लाइटिंग का थोड़ा इशू हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, पर 528 लीटर का बूट स्पेस है, मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। मस्त बूट स्पेस है भाई, मतलब भर भर के आप सामान रख सकते हैं, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर हाइट सब 3 लैंप आपको देखने को मिल जाता है। और भाई फिर से आपको एक बार दिखाऊँ रियर के लिए, ये देखो
क्या ही लुकाते हैं यार, मतलब मज़ा ही आ गया मेरे को तो, कुछ भी बोलो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है, और ये आपको सिर्फ पेट्रोल में देखने को मिलेगी, डीजल में ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। और एक ऑप्शन आता है इसका 1.5 लीटर टर्बो इंजन, उसमें आपको पीछे टर्बो की पेंडिंग मिल जाएगी। ये आपका एस एक्स वेरिएंट है। तो ये थी भाई वरना 2023, बहुत ज़्यादा प्यारी गाड़ी लगी। अगर प्राइसिंग की बात करो ना तो ये 10 लाख से 17 लाख जाएगी अप्रॉक्स। और ये एस एक्स वेरिएंट की बात कर रहा था मैं, अभी आपको बताया वो एस एक्स वेरिएंट है, एस एक्स ऑप्शन लिए, एस एक्स ऑप्शन में ऑब्वियसली काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे को तो गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, पता नहीं मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा मेरे को पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे दूंगा, और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं डीलर का डिटेल, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं कॉल करके। और भी कोई डिटेल्स आपको जाननी है तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी भाई, मतलब बता दिया मैंने आपको वरना 2023 SX मॉडल। और भी कोई मॉडल आता है तो उसके बारे में भी हम शेयर करने ट्राई करेंगे अपने एंड से, ठीक है। तो जैसा भी लगा वीडियो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।